इस वीडियो में हम एक्नॉलेजमेंट को स्टडी करेंगे कि रिसर्च में एक्नॉलेजमेंट क्या होती है और एक्नॉलेजमेंट को कैसे लिखा जाता है। एक्नॉलेजमेंट का मतलब होता है कि ऐसे लोगों का या ऐसी ऑर्गेनाइजेशन का शुक्रिया अदा करना, उनका थैंक्स करना जिन्होंने आपकी रिसर्च में कंट्रीब्यूट किया, आपको रिसर्च में असिस्ट किया, रिसर्च के लिए फंडिंग की, रिसर्च में पार्टिसिपेशन की और रिसर्च वर्क को करने में आपकी किसी न किसी तरह से हेल्प की। थीसिस और डिसर्टेशन में जो एक्नॉलेजमेंट का सेक्शन होता है ना, ये टाइटल पेज और एब्स्ट्रैक्ट के दरमियान में आता है और एक्नॉलेजमेंट को किसी भी सूरत में एक पेज से ज्यादा का नहीं होना चाहिए। अब एक्नॉलेजमेंट के अंदर हम ऐसे लोगों को एक्नॉलेज करते हैं जिन्होंने हमें रिसर्च में असिस्ट किया, सपोर्ट किया या फंडिंग की, और हम ऐसी ऑर्गेनाइजेशन का नाम डिटेल के साथ लिखते हैं। ये ऐसे लोग जिन्होंने आपको रिसर्च में सपोर्ट किया तो हम उनका नाम डिटेल के साथ लिखते हैं। लेकिन अगर आपके रिसर्च के ऐसे पार्टिसिपेंट्स थे या ऐसे लोग थे जिन्होंने आपको रिसर्च में असिस्ट किया लेकिन वो एनोनिमस रहना चाहते हैं, तो उनकी प्राइवेसी को प्रोटेक्ट किया जाना चाहिए, उनका नाम नहीं लिखना चाहिए, बल्कि उसके लिए आप जेनेरिक आइडेंटिफायर को यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपने इंटरव्यू के थ्रू रिस्पॉन्डेंट से डेटा को कलेक्ट किया और जो रिस्पॉन्डेंट थे वो एनोनिमस रहना चाहते हैं, तो आप कभी भी उनका नाम नहीं लिखेंगे, बल्कि इसके लिए आप एक जेनेरिक आइडेंटिफायर को यूज करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, इंटरव्यू ई के आप लफ्ज को यूज कर सकते हैं। अब फॉर एग्जाम्पल, आपकी रिसर्च में बहुत सारे लोगों ने कंट्रीब्यूट किया, आपको असिस्ट किया, फंडिंग की या सपोर्ट की, अब आप उसकी एक्नॉलेजमेंट कैसे करेंगे और इसका सीक्वेंस क्या होगा? इसका सीक्वेंस यह है कि सबसे पहले जो मोस्ट प्रोफेशनल लोग होंगे ना, उनकी आप सबसे पहले एक्नॉलेजमेंट करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, आपका जो रिसर्च सुपरवाइजर है या जो डिफेंस कमेटीज हैं, उनको आप सबसे पहले एक्नॉलेज करेंगे। उसके बाद फंडिंग बॉडीज, ऐसी ऑर्गेनाइजेशन या वो इंडिविजुअल जिन्होंने आपको स्पॉन्सर किया है, फाइनेंस किया है, इसके बाद उनकी एक्नॉलेजमेंट आएगी। उसके बाद आपके कोलीग्स हो सकते हैं, उसके बाद फिर एडिटर्स और प्रूफ रीडर्स को एक्नॉलेज करेंगे। इसके बाद लाइब्रेरियंस, रिसर्च या लेबोरेटरी असिस्टेंट्स हैं, रिसर्च पार्टिसिपेंट्स हैं, और इसके बाद फैमिली और फ्रेंड्स होंगे। तो एक्नॉलेजमेंट के अंदर आप किसी भी स्टाइल को फॉलो कर सकते हैं, लेकिन आमतौर पर ऐसा होता है कि जो प्रोफेशनल लोग होते हैं आप सबसे पहले उनको एक्नॉलेज करते हैं, उसके बाद फिर आप अपने कोलीग्स और फैमिली को एक्नॉलेज करते हैं। अब हम एक्नॉलेजमेंट की एक एग्जांपल को स्टडी करते हैं। मैंने यहाँ पे एक थीसिस को ओपन किया है और इसके अंदर से एक्नॉलेजमेंट का पेज ओपन किया है। तो यहाँ पे रिसर्चर ने सबसे पहले अपने सुपरवाइजर को एक्नॉलेज किया है। अब इसके बाद उसने अपने फॉर्मर सुपरवाइजर को एक्नॉलेज किया है कि उसने उसको कैसे असिस्ट किया अपने रिसर्च को कंटिन्यू करने में। अब थर्ड स्टेप के अंदर उसने अपने जो यूनिवर्सिटी प्रोफेसर्स हैं जिन्होंने उसको गाइड किया रिसर्च के लिए, उसको एक्नॉलेज किया है। इसके बाद फिर बारी आती है कोलीग्स की कि उसके जो कोलीग्स थे जिन्होंने उसको सपोर्ट किया, उसको असिस्ट किया, उसको एक्नॉलेज किया। इसके बाद फिर बारी आती है फंडिंग बॉडीज की कि ऐसी बॉडीज जिसने उसको रिसर्च के लिए फंडिंग की, फाइनेंस दिया, उसको एक्नॉलेज किया। और लास्ट पे फिर बारी आती है फैमिली मेंबर्स की। तो इसके लिए आप कोई भी सीक्वेंस को अडॉप्ट कर सकते हैं, लेकिन आमतौर पर ऐसा होता है कि जो प्रोफेशनल लोग होते हैं उनको आप सबसे पहले एक्नॉलेज करते हैं, उसके बाद आप ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस को एक्नॉलेज करते हैं या ऐसे इंडिविजुअल्स को एक्नॉलेज करते हैं जिन्होंने आपकी रिसर्च के लिए फंडिंग की। उसके बाद फिर कोलीग्स की बारी आती है, कोलीग्स के बाद फिर फैमिली और फ्रेंड्स की बारी आती है।